हेलो नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई 10th 12th रिजल्ट को लेकर के एक नया अपडेट जारी हुआ है। कैसे रिजल्ट जारी होगा, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, कैसे रिजल्ट अपना डाउनलोड करना होगा, तो इसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है, जानेंगे इस वीडियो में। तो लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है सर्कुलर। सीबीएसई 10th और 12th रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा शुक्रवार 15 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2022 के नतीजों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में छात्रों की व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके डिजी लॉकर अकाउंट्स पर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन को लगाया गया है, जिसे स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करना होगा। बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट्स 2022 की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को उनके डिजी लॉकर अकाउंट्स के माध्यम से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सीबीएसई 10th और 12th रिजल्ट जारी किए जाने से पहले बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक छात्र छात्राएं अपने डिजी लॉकर अकाउंट्स पर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन एक्टिवेट करने के बाद परिणामों की घोषणा होने पर इसी उस डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाकर के डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड से अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इस पूरे प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। बता दें कि बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों को डिजी लॉकर पोर्टल digilocker.gov.in पर विजिट करें या गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डिजी लॉकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपने LOC विवरणों को भरना होगा और लॉगिन सेक्शन से लॉगिन इन एज स्कूल को सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। इसके बाद नए पेज पर डाउनलोड पिन फाइल पर क्लिक करें और इसके बाद नए पेज पर संबंधित कक्षा 10वीं या 12वीं के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं के पिन एक फाइल में डाउनलोड हो सकेंगे, जिसके द्वारा स्कूलों द्वारा छात्रों को वितरित किया जाएगा। साथ ही एक यूज़र मैनुअल भी स्कूल डाउनलोड करके छात्रों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये है कुछ अपडेट। लगातार अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।